अहम् आयुधानां वज्रम्, मैं आयुधों में वज्र हूँ। धेनूनां कामधुक् अस्मि, गायों में कामधेनु गाय हूँ। च प्रजना कंदर्पा अस्मि, और प्रकृष्ट संतान उत्पादकों में कामदेव हूँ। सर्पाणां वासुकीय अस्मि, सर्पों में वासुकी हूँ। अहम् आयुधानां वज्रम्, धेनूनां कामधुक् अस्मि, च प्रजना कंदर्पा अस्मि, सर्पाणां वासुकीय अस्मि। भावार्थ, मैं आयुधों में अटूट पुरुषार्थी वज्र हूँ, गायों में कामनापूर्तिकारी धरणी रूपा, श्वेतकाली कामधेनु गाय हूँ, और प्रकृष्ट संतानोत्पादकों में वृषरूप स्वयं ही नंदी कामदेव हूँ, और उर्गतिशील सर्पों में महाव्यभिचारी विषपाई वासुकी नाग हूँ। वज्र का मतलब यह है जिसे कोई तोड़ न सके। तो ये देखो कितना बड़ा बाबा कहते हैं, मैं कितना ऊंचा हूँ, तो मुझे फिर शरीर तो अच्छा चाहिए ना। कैसा चाहिए? अच्छा चाहिए ना। अरे अच्छा शरीर किसे कहे? खांसी खुल्लम वाला है, हार्ट कमजोर हो, फेल हो जाए, वो जर्नी पूरी करा दे, है? पूरा काम करवा दे, खराब लीवर वाला है, रास्ता पूरा तय हो जाए भूत से, बिना इच्छा वाला शरीर चाहिए। नहीं, ये तो कॉमन बातें हो गई दुनिया भी। शरीर से पुरुषार्थ किया जाता है ना, तो ये शरीर पुरुषार्थ करने वाला ऐसा लचीला चाहिए, जैसे धनुष होता है ना, है? जितना लचीला धनुष होगा तो प्रत्यंचा भी अच्छी खींची जाएगी और बाण भी दूर तक जाकर गिरेगा। तो ऐसा अच्छा पुरुषार्थी शरीर चाहिए, इसलिए शास्त्रों में कौन सा धनुष प्रसिद्ध है? शिव का धनुष प्रसिद्ध है। कहते हैं दधीच ऋषि की हड्डियों का बना हुआ था, दधीच ऋषि की हड्डियों से इंद्र का वज्र भी बना था। तो देखो ऐसा अच्छा शरीर चाहिए, कैसा? ऐसा लचीला धनुष रूपी शरीर चाहिए जो ऐसा अच्छा पुरुषार्थ कर सके जैसा बाबा कराना चाहते। तो जो मुकर्र रथ है वो धनुष भी कहा गया शास्त्रों में, उसका नाम प्रसिद्ध है। धनुष यज्ञ हुआ, धनुष तोड़ दिया, धनुष माने शरीर के द्वारा, शरीर की हड्डियों के द्वारा जो पुरुषार्थ किया जाता है, उस पुरुषार्थ में दधीचि ऋषि का नाम बहुत प्रसिद्ध है। ऋषि ऋषि ने क्या किया? विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने अपनी हड्डियों का दान दे दिया। उन हड्डियों से वज्र तैयार हुआ। तो वज्र जो है वो शस्त्रों में सबसे पावरफुल माना जाता है। तो
ब्राह्मण दुनिया में दधीची कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा दधीची हुए। उनके मुकाबले कोई और ब्रह्मा कुमार है? दूसरा जब प्रूफ हो जाए तब की बात है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का तो प्रूफ आ गया ना कि सारा जीवन में उन्होंने जो भी कमाई की तन से और जो भी तन की ताकत थी वो सारी आखिरी में तन अर्पण कर दी ईश्वरीय कार्य में अर्पण कर दी ना, तो हड्डी हड्डी भी स्वाहा कर दी, राख बना दिया, खत्म कर दिया ना। तो वो दधीची की हड्डी से वचन तैयार किया गया, सेवका धनुष भी बनाया गया। उस धनुष के लिए ये कहावत है, सिखों में भी कहावत है, नानक चाप जहां, उन्होंने नानक को समझ लिया है सदगुरु, तो उनके रथ को आधार बना करके सारी दुनिया पार हो जाएगी। तो मनुष्य गुरुओं की बात है जिन्होंने अपने को भगवान मान लिए साकार, लेकिन वास्तव में बात किसकी है? मुकर्रर रथ की बात है। जरूर उस मुकर्रर रथ धारी आत्मा ने पूर्व जन्मों में सत्य को जीवित रखने के लिए असत्य से जन्म जन्मांतर मुकाबला किया होगा या नहीं किया होगा? किया। एक टाइम आएगा इसी पुरानी दुनिया में, ऐसा टाइम आएगा कि दुनिया के सब मनुष्य मात्र ये सोचने के लिए समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि सारी दुनिया की माता कौन है। कहते हैं प्रकृति प्रकृष्ट रूपेण कृति, नेचर कहते हैं, वो भगवान की बनाई हुई प्रकृष्ट रचना है जिसकी रचना में भगवान ने एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत लगा दी। इतनी ताकत भारत के निर्माण में भगवान ने नहीं लगाई और कोई भी देश के निर्माण में भगवान ने इतनी ताकत नहीं लगाई जितनी धरती माता के निर्माण में लगाई। धरती माता कहो, पृथ्वी माता कहो, गौ माता कहो, हमारी भारतीय परंपरा में ऐसे ऐसे चित्र हैं पुराने पुराने जिसमें गौ के शरीर में 33 करोड़ देवताएं दिखाते हैं। जिन 33 करोड़ देवताओं में सभी धर्मों की आत्माएं प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके फिर इस दुनिया में जन्म लेते हैं, तो सारी दुनिया जैसे कि गौ माता में समाई हुई है। उसका नाम दिया है कामधेनु। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो भी कामनाएं करती हैं, उन सब कामनाओं की पूर्ति मंगल ग्रह के ऊपर होती है, बुध ग्रह के ऊपर होती है, सूरज में होती है, चांद में होती है कि पृथ्वी पर होती है।
कहां सब कामनाओं की पूर्ति होती है? पृथ्वी पर होती है। तो ये धरती माता है। ब्रह्म माने क्या? ब्रह्म माने बैल। आत्मा जानती है बरोबर, हम अभी बेहद के बाप को भी जानते हैं, और हम आंखों से ब्रह्मा रथ है जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, उनको भी जानते हैं। तो अब बच्चों को पहचान हुई है, और असली पहचान तब होती है जबकि सन्मुख मिलना होता है। नंदीगण भागीरथ भी कहते हैं। गण अर्थात समूह, नंदी बैल को कहा जाता है। तो ये दो बैलों की जोड़ी है, एक टेम्परेरी रथ है, एक मुकर्रर रथ है। जिनको भागीरथ भी कहते हैं, कोई तो एक आत्मा होगी जिसकी बुद्धि में सारी सृष्टि का ज्ञान, सारा ही समूचा ज्ञान आ जाए, ज्ञान की रोशनी आ जाए, उसका नाम रख दिया है भारत। भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, और रत माने लगा हुआ। जो ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ है वो हो गया भारत। दूसरे देश ये आत्मा के संबंध में, आत्मा का 84 का चक्र क्या है, इस ज्ञान की रोशनी में पूरा रस नहीं लेते। भारतवासी जितना रस लेते हैं, उन भारतवासियों का जो बीज है वो है बैल। फिर उसके बाद क्यों उसको छोड़ देते हैं, ईमान में रखते हैं? खेती ज्ञान की करने के लिए। वो जितना बच्चा पैदा करता है उतना और कोई दूसरा बैल जो खेत में खेती करता है वो बच्चे पैदा नहीं कर पाता। वो खास बच्चे पैदा करने के लिए होता है। तो सबसे ज्यादा बच्चे किसको? बेहद के दो ही बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। इन दोनों बेहद के बापों को जितने बच्चे हैं उतने दुनिया में और किसी को नहीं। क्राइस्ट को 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस हैं फॉलो करने वाले, जो क्राइस्ट को धर्म पिता मानते हैं अपना, वो भी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि दुनिया की आबादी तो 500-700 करोड़ है। 500-700 करोड़ सब उसे अपना बाप माने, तो जब सच्ची का विनाश होगा तो सब सारे झुक जाएंगे। यही है, यही है, यही है। आपने देखा होगा नदियों में कोई प्राणी है जो उल्टी धार चलता है। कौन सा प्राणी? सांप। और दुनिया के बड़े से बड़े सांप कौन है? वो तो राजा है, उसकी प्रजा भी तो होगी, यथा राजा। वो कौन है? अरे वासुकी नाग का पार्ट किसका है? जो वासुकी नाग शंकर के गले में पड़ा हुआ है, अच्छी तरह से गला पकड़ लिया, गले पड़ गया, किसका पार्ट है?
हाँ, तो सवली आत्मा का पार्ट है। दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जो सबसे जास्ती काम विकार भोगने में उस्ताद माना जाता है, जिसका राजा क्या कहा जाता है, नागों का राजा कहो, सर्पों का राजा कहो, वासुकी कहा जाता है। और शंकर जी के गले में कौन फंदा डाल के बैठा है, है? वासुकी नाग। कौन है? वासुकी, वसु उसका बाप और वासुकी बच्चा, ब्रह्मा बाप ब्राह्मण बच्चे, विष्णु बाप वैष्णव बच्चे, शिव बाप शैव बच्चे। ऐसे ही वासुकी का बाप, मात्रा हटा दो वासुकी की, वसु, वसु माने धन संपत्ति। क्या सोना चांदी रुपया पैसा धन संपत्ति है? असली धन संपत्ति क्या है? ज्ञान धन। तो उसके बाप ने, वासुकी के बाप ने वो धन संपत्ति धारण की है। कौन सी धन संपत्ति? ज्ञान की धन संपत्ति। तो वासुकी का बाप कौन हुआ? है? वसु हुआ। ज्ञान की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में कौन हुआ? है? प्रजापिता। है?